दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए जो शुरू करते हैं, जो हमारा इजी तरीका स्केचअप में जो स्टेप जो सीढ़ियां बनाने का। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन, आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप लाइन ले लें बेसिक। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन को 4 फीट देता हूँ। ठीक है, ये 4 फीट हो गई। यहाँ पे मैं देता हूँ इसको 9 फीट। ठीक है, फिर से, और ये हमारा एक ब्लॉक तैयार हो गया। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं 6 इंच हाइट देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहां से एक टेप के द्वारा यहाँ पे 9 इंच पे, ठीक है, एक लाइन लगा देता हूं यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है। आप बेशक इसको जो है ऊपर कर लें, ठीक है, एक बार लाइन ना भी लगाएं बेशक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको भी आप जो है 9 फीट हाइट दे दें, जितनी भी आपने देनी वो दे सकते हैं, चलिए वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक लाइन है, सॉरी, यहाँ पे 6 इंच पे मैं एक ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और ये और ये, ठीक है, ये हम ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से लेके इसको कंप्लीट को सेलेक्ट करेंगे और सेम हम वही प्रोसीजर करें, कंट्रोल दबाएंगे मूव करके। देखिए यहाँ पे आप इजीली कट कर पाएंगे बाद में। ठीक है, इस तरीके से इसका मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा कट करने का। ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां तक ये हो गया। ठीक है, अब आप जो ऊपर का पोर्शन है उसको बिल्कुल एक बार यहां से देखिए, अलग है थोड़ा सा। ये जो हमारा पोर्शन है इसको आप रिमूव कर दें यहां से, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप यहां से यहां ले ले लाइन, यहां ले ले। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब आप बेसिक सारी लाइन जो है डिलीट कर सकते हैं, ये ऊपर का पोर्शन ऊपर हो गया, ये बन चुका है हमारा। अगर आप चाहें यहां से बिल्कुल कि आप नीचे से एक लाइन ड्रॉ करना चाहें बिल्कुल सीधी और यहां तक, ठीक है, बाकी का एरिया चाहे आप बेसिक डिलीट भी कर दें, ये सारा एरिया कवर हो गया हमारा। ठीक है, जैसे हमने ये लाइन लगाई, ऊपर का एरिया हमारा जो है अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया। ठीक है, यहां से भी हम इसको जो है हम रिमूव कर देते हैं। देखिए इस तरीके से जो आप स्टेयर है वो बना सकते हैं। ऊपर का पोर्शन है, आप इसको जो है लगभग जितनी आप लेंथ लेना चाहते हैं वो ले लें। ठीक है, 4 फीट थी, यहां से माप लेते हैं हम कितनी है, 3-9। ठीक है, यहां से 3 इंच और इसको जो है प्रेस पुल कर लेते हैं, 3 इंच। ठीक है, अब आप यहां से बिल्कुल ये लाइन जो है आप इसको सेलेक्ट करें, मूव कर लें इसको ऊपर कॉपी लेके। ठीक है, और यहां से आप इसको लगभग 9 इंच, ठीक है, कर लें। अगर सेम इस तरीके से नीचे प्लेन लेना चाहते हैं आप, चलिए वो प्लेन भी आप कर लेंगे बाद में बताऊंगा वो, पहले आप इसको इनको जो है एक बार सभी को यहां से यहां, चलिए इतना ही करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है,
ठीक है, ये तरीका आप ले यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहां से यहां तक आप जो ये इसको अरेंज कर सकते हैं, बाकी जो ये है ठीक है इसको अरेंज कर दें, और यहां से भी आप लाइन एक ले लें यहां तक देखिए ठीक है। बाकी ये देखिए इस तरीके से सीढ़ियां आप बना पाएंगे ठीक है, बिल्कुल इजी वे है। अब बात आती है इनके ऊपर रेलिंग लगाने की, तो आप रेलिंग लगा लें ठीक है। अगर आप सीधा यूज करना चाहते हैं इनको तो आप सीधा भी बना सकते हैं ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।